अब जैसे ये नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, उसके बाद if e1 and e2 आर सबसेट ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल, यानी कि ए बी क्लोज इंटरवल में कंटेन कर दिया है हमारे ई वन एंड ई टू सबसेट, ये पर ई वन एंड ई टू क्या है हमारे मिजरेबल। तो हमारी एक तो ये दो इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करनी है, ये दोनों इक्वेशन हमारी शो है और इसे हमें प्रूफ करना है जो नीचे वाली इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लेट ई वन एंड ई टू सबसेट हैं जो किसमें क्लोज इंटरवल में कंटेन कर रहे हैं, और हम जी वन एंड जी टू एक ऐसा ओपन सेट लेंगे जो हमारे ये जो ई वन एंड ई टू सेट हैं इन्हें कंटेन करेगा। तो हमने ऐसे एक ओपन इंटरवल ले लिया, उसके बाद हमारी इक्वेशन बनती है एम जी वन लेस है हमारी किसके एक्सटीरियर मेजर ऑफ ई वन प्लस एप्सिलॉन बाय टू। इसी तरीके से एम जी टू भी हमारे लेस है एक्सटीरियर मेजर ऑफ ई टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ये कहाँ से आया, ये हमारी जो हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी इसमें ये जो इक्वेशन यूज हुई थी ये हमारी सिमिलरिटी यहीं से आई है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया था ये इक्वेशन बनी कैसे, तो यदि इससे रिलेटेड इशू है तो हम इस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमारा क्या है ये एम जी वन एंड जी टू ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे सिमिलरली जैसे उस वीडियो में हुआ था फर्स्ट वीडियो में, और हमने राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों पार्ट को ऐड कर लिए। तो हमारा ये बन गया एम जी वन प्लस जी टू लेस देन इक्वल टू एम ई वन प्लस एम ई टू एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू क्या हो गया एप्सिलॉन। अब ये जो हमें गिवन था तो उसमें क्या था हमारा, उसमें भी ये था, और उसके अलावा जो हमारी इससे पहले इक्वेशन थ्योरम भी है जिसे हम याद भी कर सकते हैं, जनरली ये आती नहीं है पर हम इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर है, छोटी सी थ्योरम है। तो इसी का एक स्टेटमेंट है एम जी वन प्लस एम जी टू किसके इक्वल होता है एम जी वन यूनियन जी टू प्लस एम जी वन इंटरसेक्शन जी टू। हमने इसी थ्योरम का स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये इक्वेशन लिख ली। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद हमने किया क्या, जो एम जी वन एंड जी टू की जगह तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन में, और ये जस्ट हमने इसी तरीके से लिख दिया राइट हैंड साइड वाला पार्ट इसी तरीके से लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है जो जी वन एंड जी टू है वो कंटेन किसे कर रहा है ई वन एंड इन टू, तो जी वन यूनियन जी टू एंड जी इंटरसेक्शन जी टू इसके इंटरसेक्शन और यूनियन को भी कंटेन करेगा। क्यों, जी हमारा क्या सुपर सेट है ई का, यानी कि कोई भी बड़े सेट में यदि हमें कोई प्रॉपर्टी होल्ड करवानी हो तो हम करते क्या है किसी छोटे सेट में प्रॉपर्टी होल्ड जो करवाते हैं, यदि वो छोटे सेट में जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो डेफिनेट है कि वो हमारे बड़े सेट में प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो बड़ा सेट क्या है यहाँ पे जी और छोटा सेट है ई, तो हमारे ई में भी वो कंटेन करेगी जो हमारी जी में प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो हम जो हमारा जी को हम रिप्लेस कर देंगे ई से, तो ये हमारा हो जाएगा। और हमारा ये क्या था एम जो हमारा ई सेट है वो मिजरेबल है, तो इसका एम ई ई वन और ई टू किसके इक्वल होगा हमारा। अब जो हमारा ये हमारा यहाँ पे एम था मेजर ऑफ जी वन यूनियन जी टू, अब जी हमारा बड़ा सेट था जो बड़े सेट में प्रॉपर्टी लगेगी वो छोटे में भी लगेगी, तो उससे हमारी ये वाली इक्वेशन बन के आ गई। अब इस वाली इक्वेशन से हमारे यहाँ पे एम था मेजर था इसका सेट का यहाँ पे एम ई जी, क्योंकि हमारा ई और ई वन और ई टू क्या मिजरेबल है, तो इसकी एक्सटीरियर मेजर इक्वल टू होगी इंटीरियर मेजर के इक्वल टू मेजर ऑफ अ सेट के, ये किससे मेजर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन से आ गया हमारा। तो हमने एम की जगह एम ई यूज़ कर लिया यहाँ पर कंप्लीट में, तो ये हमारा एम ई यूज़ हो गया यहाँ पे एम की जगह सभी की जगह, और जी की जगह ई हमने यूज़ कर लिया, तो यह वाली हमारी इक्वेशन बन के आ गई। अब ई वन एंड ई टू किसका सबसेट है ए बी क्लोज इंटरवल का, क्योंकि हमारा ए बी में कंटेन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल कंटेन हो रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारा एग्जिस्ट करता होगा, तो हम इसको ई वन एंड ई टू को किसको से रिप्लेस कर देंगे ई वन कॉम्प्लीमेंट एंड ई टू कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन में क्या किया, ई वन को ई वन कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया, ई टू को ई टू कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया, तो हमने यहीं पर इसी तरीके से ई वन और ई टू को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया दोनों बोथ साइड। तो हमारा क्लोज सेट की डेफिनेशन से हमारा ई वन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी माइनस ई वन, और इसी तरीके ई टू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए बी माइनस ई टू,
ये कहाँ से आई, ये हमारी क्लोज सेट की डेफिनेशन से, ये जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी थी, इस वाली डेफिनेशन से ये जो हमारी डेफिनेशन है ए बी माइनस एफ, जो एफ यहाँ पे क्लोज सेट था तो यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे तो इसी डेफिनेशन से हमारा ये आ गया। ठीक, उसके बाद हमने डी मॉर्गन रूल अप्लाई करा। डी मॉर्गन रूल में क्या होता है, हम जो हमारा यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन में चेंज हो जाता है, तो इसे ई वन यूनियन ई टू का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो इसका जो होल कॉम्प्लीमेंट होने के बाद जो हमारा जो यूनियन था वो कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारा किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में। इसी तरीके से जो यहाँ पे इंटरसेक्शन था वो किस में चेंज हो गया, हमारा यूनियन में। तो यहाँ पे हमने यही करा है, इसके बाद ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड वाली जो टर्म। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी एक्सटीरियर मेजर की जो डेफिनेशन होती है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। उसकी फॉर्मूले में हमारा बी माइनस ए माइनस इंटीरियर मेजर ऑफ अ सेट होता है, ये हमारी डेफिनेशन में भी हमें गिवन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारी एक्सटीरियर मेजर की जो डेफिनेशन होती है, इसमें एक्सटीरियर मेजर इधर की तरफ लिखा होता है, हमने एक्सटीरियर मेजर को इधर से इधर की तरफ लिया है और एम आई ए को इधर की तरफ लिया है, क्योंकि यहाँ पे ए सेट था तो ए यूज़ हो रहा है और वहाँ पे सेट हमारा क्या है, ईवन हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से अप्लाई हो गया। इसके बाद हमारा जो हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे, तो बी माइनस ए हमारा कट हो जाएगा, जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट बन के आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, यदि हम देखें इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन में हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ बन के हमारा आ गया सिंपली। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टेप बाय स्टेप हम यदि हम समझे डेफिनेशन से तो ईजिली, यदि हम दो बार वीडियो देखेंगे तो ईजिली हमारे समझ में आ सकती है। तो ये था नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इस थ्योरम के बेस पर, इसमें कंप्लीट यूज इसी का ही है, देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे।